तो इस धरती पर रहने के लिए हर जीव को संघर्ष करना पड़ता है। जहाँ इंसानों को अपनी रोजी रोटी और पेट भरने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वही जानवरों के आगे भी यही चुनौती होती है। उन्हें भी भोजन के लिए और खुद की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जानवरों के संघर्ष का नतीजा कई बार उनकी आपस में भयानक लड़ाई के रूप में उभर कर सामने आ जाता है। कई बार खुद की जान बचाने के लिए जानवरों को अपनी जान की बाजी लगाते हुए एक दूसरे के साथ खूनी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। ये हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। कभी भी ये आमने सामने होते हैं तो तुरंत इनके बीच जबरदस्त खूनी संघर्ष होता है। आपको धरती पर रहने वाले 5 सबसे खतरनाक जानवरों के बीच होने वाली फाइट के बारे में हम बताने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्रम में नंबर 5 पर है हाथी और गेंडा। वैसे तो हाथी को बेहद शांत स्वभाव का जानवर माना जाता है, साथ ही गेंडे की भी गिनती जंगल के सबसे शांत और पावरफुल एनिमल्स में होती है। लेकिन हाथी और गेंडे जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनके बीच जानलेवा लड़ाई देखने को मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हाथी और गेंडे का रंग सेम होता है, यहाँ तक कि दोनों के स्किन की मोटाई भी लगभग सेम होती है, और ये दोनों ही जानवर एक दूसरे के टक्कर के होते हैं। हाथी और गेंडे की लड़ाई में जीत अक्सर हाथी की ही होती है। नंबर 4 पर है किलर व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क। समुद्र के भीतर रहने वाले जीवों में व्हेल सबसे विशालकाय जीव के रूप में जानी जाती है, वही ग्रेट व्हाइट शार्क को सबसे अटैकिंग फिश के रूप में जाना जाता है। ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र के भीतर रहने वाले हर तरह के जीवों पर अटैक कर देती है, और वहाँ ग्रेट व्हाइट शार्क का सामना करने की हिम्मत भी किसी के पास नहीं होती है। सिर्फ किलर व्हेल ही एक ऐसी फिश होती है जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क का सामना करने की हिम्मत रखती है। अक्सर समुद्र के भीतर इनकी लड़ाई शिकार को पकड़ने को लेकर होती है। कई बार ऐसा होता है कि ग्रेट व्हाइट शार्क और किलर व्हेल एक साथ किसी एक ही जानवर का शिकार करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में इन दोनों के बीच भोजन को लेकर जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर है सांप और नेवला। सांप और नेवले की लड़ाई के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सांप और नेवले के बीच इतनी दुश्मनी होती है कि वे एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। जहाँ सांप के पास खतरनाक जहर होता है, वही नेवले के पास खास तरह की स्किन होती है जिससे वह खुद को सांप के जहर से बचा लेता है। भले ही नेवला सिर्फ 1 या 1.5 फीट का क्यों ना हो, लेकिन अपनी फुर्ती और तेज दिमाग से कोबरा जैसे खतरनाक सांप को भी मौत की नींद सुला देता है। वही कई बार जहरीले सांप के बार बार काटने से नेवले को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 2 पर है एनाकोंडा और क्रोकोडाइल। एनाकोंडा और क्रोकोडाइल में एक समानता यह है कि दोनों भी पानी के भीतर रहना पसंद करते हैं, और दोनों ही दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों के लिस्ट में आते हैं। जहाँ क्रोकोडाइल के पास चाकू से भी तेज और नुकीले दांत होते हैं, वही एनाकोंडा अपनी विशाल काय शरीर में बड़े से बड़े जानवर को भी दम घोटकर मारने की हिम्मत रखता है। क्रोकोडाइल और एनाकोंडा की लड़ाई में जीत किसकी होगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि क्रोकोडाइल अपने तेज और तीखे दांतों से एनाकोंडा के चीथड़े कर सकता है। वही एनाकोंडा अपने भारी भरकम शरीर के बीच में क्रोकोडाइल को जकड़कर पल भर में उसके हड्डियों के टुकड़े कर सकता है। कुल मिलाकर क्रोकोडाइल और एनाकोंडा के बीच की यह लड़ाई बेहद कांटे की टक्कर साबित होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे फाइट के मोस्ट डेंजरस फाइट के लिस्ट में नंबर 1 पर है लायंस और हाइना के बीच की लड़ाई। शेर को भले ही जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन इनकी हाइना के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी रही है। वैसे तो शेर जंगल के भीतर हर तरह के जानवर के लिए दुश्मन ही होता है, लेकिन यहाँ दुश्मनी सिर्फ एक तरफा होती है, यानी कि हर बार सिर्फ शेर ही अटैक करके दूसरे जानवरों को अपना शिकार बनाता है। लेकिन हाइना के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइना शेर को मुंह तोड़ जवाब देता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार तो हाइना अपने झुंड में होता है तो वह शेर का शिकार भी कर जाता है। हाइना और शेर की लड़ाई का इतिहास बहुत पुराना है। शेर के पास जहाँ मजबूत पंजे, तेज रफ्तार और खतरनाक जबड़ा होता है,
वही दूसरी तरफ हाइना हमेशा झुंड में रहना पसंद करता है और अपने झुंड के ताकत से ही वह जंगल के राजा को भी मारकर गिरा देता है। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा वाइल्ड लाइफ चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अपना अगला वीडियो जो आप कहेंगे उसी टॉपिक पर बनाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसी अच्छी और बेहद जानकारी भरी वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।